एक ऑब्वियस मिस्ड आउट फीलिंग है क्योंकि बाजार ने बहुत ज़बरदस्त तेजी दी है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल ये मार्केट्स में भी की जा सकती है, जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो, हमें लगता है आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स अभी भी मिल सकते हैं मार्केट्स में जो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं छोटे निवेशकों को अगले 6 से 9 में। दो तीन ब्रॉड एलिमेंट्स, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं अभी भी, क्योंकि आई थिंक जैसे परफॉर्मेंस रहा है, लोन ग्रोथ हो, एसेट क्वालिटी हो, जैसे इनके रिपोर्टेड नंबर्स हो, आंकड़े हो स्लिपेजेस के ऊपर, जैसे इन्होंने प्रोविजनिंग की है, टीयर वन रेशियोज जैसे रहते हैं, तो जो अहम मुद्दे रहते हैं या पैरामीटर्स रहते हैं बैंकिंग क्षेत्र के लिए, आई थिंक ये सारे चेक बॉक्सेस टिक करती हैं लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। दूसरा आई थिंक कंजम्पशन एज अ स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, जो तो सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम आ सकता है कंजम्पशन के लिए। आई थिंक चुनिंदा FMCG स्टॉक्स, चुनिंदा वाइट गुड अप्लायंसेज, चुनिंदा FMCG स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। और तीसरा आई थिंक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आई थिंक स्मॉल और मिड कैप्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है मार्केट्स को, तो एक सेक्टर एग्नोस्टिक व्यू है स्मॉल और मिड कैप स्पेस के लिए, बट वहाँ पे आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्टॉक्स लाइक अवंती फीड्स फॉर एग्जांपल, आयन एक्सचेंज, KEI इंडस्ट्रीज़। आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं जो स्टॉक्स है जो आई थिंक कोई सेक्टर के रिलेटेड नहीं है कि एक सेक्टर अच्छा करेगा, बट विद इन द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा रह सकता है, ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं अगले 6 से 9 में। दो अहम मुद्दे, एक आई थिंक जो हम स्लो डाउन की बात कर रहे थे, आई थिंक जो इनहेरेंट स्लो डाउन इकोनॉमी फेस कर रही है, और दूसरा आई थिंक जो US चाइना रिलेटेड और ब्रेक्सिट रिलेटेड जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक स्लो डाउन की हम बात कर रहे थे, आई थिंक ये दोनों आई थिंक एरियाज़ प्रभाव कर रहे थे बाजार के ऊपर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स आर ट्राइंग टू इग्नोर दिस फैक्ट। ब्रेक्सिट का शायद सोल्यूशन मिल जाएगा, जो US चाइना के आई थिंक टॉक्स चल रहे हैं वहाँ पर शायद रेजोल्यूशन आने लगे, और जैसे सरकार कदम उठा रही है आई थिंक दे हैव ट्राइड टू कट कॉर्पोरेट टैक्स फॉर एग्जाम्पल, जो सप्लाई और डिमांड साइड आई थिंक रिफॉर्म्स सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है, वहाँ पे आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स को एक मोमेंटम मिल सकता है। सो आई थिंक मार्केट्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज दो हैं मुद्दों पे आई थिंक चलता है, एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स और दूसरा आई थिंक केपेक्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। सो क्लियरली आई थिंक जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वहाँ पे एक रिवाइवल Q3 Q4 के बाद आना लाजमी है मार्केट्स के लिए, और दूसरा आई थिंक इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइवेट केपेक्स कमिंग थ्रू, एक्सपेक्टेशंस यही है कि आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स 15% कर दिया है, कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइवेट केपेक्स शुड ऑल्सो कम बैक इन 2 to 3 quarters। मार्केट्स एक साल पहले डिस्काउंट करता है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट्स आई थिंक अभी से डिस्काउंट करना चालू कर दिया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती अगले 2 से 3 quarters में, अगले 3 से 6 महीनों में, तो शायद बाजार थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्लियरली डिस्काउंटिंग चल रही है विद वॉट कैन हैपन ओवर द नेक्स्ट 1 year। तो अभी भी मुझे लगता है आई थिंक प्राइवेट स्पेस एक सेफर स्पेस मानी जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जितने इनके एक्सपोजर है स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स के लिए, कितना आई थिंक पेन अभी भी लेना है बैलेंस शीट के ऊपर, एक लार्ज अननोन फैक्ट है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, ये बैलेंस शीट पे कंटिन्यू होना लाजमी है, जिसकी वजह से आई थिंक एक अर्निंग्स मोमेंटम है वो शायद प्राइवेट सेक्टर जितना कंटिन्यू ना हो। तीसरा आई थिंक जो CET1 रेशियोज जो हम कैपिटल एडिक्यूसी कहते हैं वो क्लियरली लैग हो रहे हैं। सरकार ने आई थिंक इन्फ्यूजन बिल्कुल किया है चुनिंदा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक CET1 Tier 1 रेशियोज आर स्टिल लैगिंग प्राइवेट स्पेस, और एडवांसेस ग्रोथ अगर लार्ज या एक्सपेक्टेड बेसिस पर नहीं हुई तो जो रिटर्न रेशियोज होते हैं वो हमेशा सब्ड्यूड रहेंगे। सो वैल्यूएशन पे ऑफ के हिसाब से मैं देखूँ तो वैल्यूएशन आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर द पब्लिक स्पेस, बट ग्रोथ कहाँ है? आई थिंक ग्रोथ प्राइवेट प्लेस के साथ है, इसलिए मार्केट्स आई थिंक प्राइवेट प्लेस के साथ जाना चाहेगा रादर देन द पब्लिक सेक्टर।